साल 2022 गुजर गया, पूरा देश नए साल के स्वागत और जश्न में मगन है, लेकिन कुछ लोग ऐसे भी हैं जिनकी स्मृति से वो बातें नहीं भूल रही हैं जिसे पूरा करने का ख्वाब खुद पीएम मोदी और उनकी सरकार ने दिखाया था। साल 2022 के लिए मोदी सरकार ने कई बड़े वायदे किए थे, उनमें से कितने पूरे हुए, कितने अधूरे रह गए, आइए एक नजर डालते हैं। सबसे पहला वादा, 2022 तक किसानों की आय दोगुनी करेंगे। सच्चाई, किसानों की आय दोगुनी तो नहीं हुई, हाँ किसानों पर कर्ज का बोझ जरूर बढ़ गया है। सच्चाई तो यह है कि आज बड़ी तादाद में देश के किसान कर्ज के बोझ तले दबकर आत्महत्या करने को मजबूर हैं। सरकार किसानों का भला करने की जगह पिछले कुछ सालों के दौरान कृषि बजट में हजारों करोड़ रुपए की कटौती की है, उर्वरकों पर मिलने वाले सब्सिडी को घटा दिया गया है, और तो और किसानों की कर्ज माफी से सरकार ने अपने हाथ खड़े कर लिए हैं। वादा नंबर दो, 2022 तक दोगुनी होकर $5 ट्रिलियन की हो जाएगी भारत की अर्थव्यवस्था। सच्चाई, साल 2022 गुजर गया, GDP अभी भी $3.5 ट्रिलियन के आसपास ही बनी हुई है। सच्चाई तो यह है कि पिछले कुछ सालों के दौरान देश ने वो दिन देखा है जिसके बारे में किसी ने सपने में भी कल्पना नहीं की होगी। साल 2020-21 के दौरान देश की GDP ऐतिहासिक रूप से गिरकर -7.3% तक पहुंच गई थी। वादा नंबर थ्री, 2022 तक बुलेट ट्रेन चलने लगेगी। सच्चाई, 2022 में बुलेट ट्रेन चलना तो बहुत दूर की बात, हकीकत तो यह है कि अभी भूमि अधिग्रहण का काम ही पूरा नहीं हुआ है। रेलवे मंत्रालय ने खुद इसके बारे में ट्वीट करके जानकारी दी है कि अभी बुलेट ट्रेन प्रोजेक्ट का सिर्फ 22% ही काम पूरा हो पाया है। वादा नंबर चार, 2022 तक हर परिवार के पास अपना घर होगा। सच्चाई, शहरी आवास योजना के तहत स्वीकृत आधे घर अब तक नहीं बने हैं। हकीकत तो यह है कि देश में अभी भी लाखों लोग ऐसे हैं जो खुले आसमान में सोने को मजबूर हैं, उनके सिर पर छत तक नसीब नहीं है, और तो और जिन लोगों ने अपने पैसे से खुद का घर बनाने का सपना देखा उनके सपने भी अधूरे रह गए क्योंकि घर बनाने की लागतों में बेतहाशा वृद्धि हो चुकी थी। वादा नंबर पाँच, 2022 तक सभी घरों में 24 घंटे बिजली आएगी। सच्चाई, 2022 गुजर गया, 24 घंटे बिजली तो नहीं आई, हाँ देश पर ब्लैकआउट का खतरा जरूर मंडराया। अभी कुछ समय पहले ही देश में कोयले की कमी से जो हाहाकार बचा हुआ था उसे कोई कैसे भूल सकता है। खैर, विकट परिस्थितियों की बात छोड़िए, अभी भी देश में हजारों गांव ऐसे हैं जहां आज तक बिजली की सप्लाई तक नहीं पहुंची है। इस तरह से देखा जाए तो साल 2022 के लिए मोदी सरकार ने जनता से तमाम वायदे किए थे जो पूरे नहीं हुए। इन टूटे बिखरे और अधूरे ख्वाबों पर अब न तो सरकार बात कर रही है और न ही मीडिया। जनता झूठे जुमलों के फरेब में आकर खुद को ठगा हुआ महसूस कर रही है।